विकट विपरीत परिस्थितियों में फिर उठ खड़े होने का हौसला चौधरी देवीलाल जी हमें देकर गए हैं। कोई बात नहीं, नेचुरली जब प्रदेशाध्यक्ष छोड़ करके जाता है चिंतन करना होता है, वो पार्टी के अंदर हो रहा है और नए लोगों को अहम जिम्मेवारियां मिलेंगी, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जो छोड़ करके गए हैं उन निशान सिंह जी की एक बहुत बात मुझे अच्छी लगती थी, वो कहते थे जात से बड़ी जमात होती है, तो जमात बड़ी है, जमात मजबूत है, बीजेपी मजबूत। सर, डॉक्टर अजय सिंह ने अभी दो दिन पहले बयान दिया था कि चौटाला साहब यदि पहल करे तो जननायक जनता पार्टी दोबारा से जिनकी गलत पहचान रही है, नकारात्मक रही है, जहरीली रही है, उन्होंने जहरीला बयान दे दिया उसमें, तो ये बता रहा है कौन पाक पवित्र है, कौन जो है ना साफ मन का है, किसके मन में साफ नियत है और किसके मन में जहर है, किसने पार्टी से उन्हें निकलवाया, बाहर फेंका और गद्दारी। एक तरफ जेजेपी का कुनबा बिखरे जा रहा है तो दूसरी तरफ जेजेपी और इनेलो के एक होने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अजय चौटाला और अभय चौटाला इन चर्चाओं पर अपने अपने बयान दे चुके हैं। अजय चौटाला ने कहा ओपी चौटाला बुलाएंगे तो कल ही चले जाएंगे, लेकिन अभय ने कहा कि ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, इनेलो में उनकी कोई जगह नहीं। चाचा अभय के इन बयानों पर अब जेजेपी प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला का भी बयान सामने आया है। दिग्विजय ने अपने चाचा अभय सिंह पर जहरीले बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन बयानों से साफ है कि किसकी नकारात्मक सोच है और किसकी सोच साफ है। इससे सब साफ है कि किसने पार्टी से उन्हें बाहर फेंका और किसने गद्दारी की। डॉक्टर अजय सिंह ने अभी दो दिन पहले बयान दिया था कि चौटाला साहब यदि पहल करे तो जननायक जनता पार्टी दोबारा से एनएलओ के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया था, उनकी सकारात्मक सोच, उनकी राजनीतिक सकारात्मकता, उनकी जो पहचान रही है पिछले 30-40 सालों की, उसी को दर्शाते हुए उन्होंने एक और अच्छा बयान दिया। और जिनकी गलत पहचान रही है, नकारात्मक रही है, जहरीली रही है, उन्होंने जहरीला बयान दे दिया उसमें, तो ये बता रहा है कौन पाक पवित्र है, कौन जो है ना साफ मन का है, किसके मन में साफ नियत है और किसके मन में जहर है, किसने पार्टी से उन्हें निकलवाया, बाहर फेंका और गद्दारी की। कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का गुस्सा अगर हमारे पर है तो उससे चर्चा करके दूर करें। वही निशान सिंह के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा वो भी सुनिए। पार्टी को छोड़ रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष तक छोड़े हैं, इस विपरीत परिस्थिति में किस तरीके से जननायक जनता पार्टी विकट विपरीत परिस्थितियों में फिर उठ खड़े होने का हौसला चौधरी देवीलाल जी हमें देकर गए हैं। कोई बात नहीं, नेचुरली जब प्रदेशाध्यक्ष छोड़ करके जाता है तो उस बात के लिए करके चिंतन करना होता है, वो पार्टी के अंदर हो रहा है और नए लोगों को अहम जिम्मेवारियां मिलेंगी, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जो छोड़ करके गए हैं उन निशान सिंह जी की एक बहुत बात मुझे अच्छी लगती थी, वो कहते थे जात से बड़ी जमात होती है, तो जमात बड़ी है, जमात मजबूत है, जेजेपी मजबूत है। भले ही जेजेपी बीजेपी से अलग हो गई है, लेकिन जेजेपी नेताओं के खिलाफ भी किसानों का गुस्सा फूट रहा है और जहां भी जेजेपी नेता वोट मांगने जा रहे हैं वहीं पर जेजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर दिग्विजय ने किसानों से कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ देने पर लोगों में नाराजगी है तो वो लोगों से चर्चा कर नाराजगी को दूर करने के लिए तैयार हैं। सिरसा से सतराम सिंह, पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।